आपने बोर्ड पे ये टॉपिक तो जरूर पढ़ लिया होगा थंबनेल में भी देख लिया होगा कि क्या आप प्री बोर्ड से डरते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू इन दिस है सीबीएसईन आई सी एस सी ओब्लिक आई एस सी बोर्ड ओके नाउ आई नो यू आर बिजी विद योर प्री बोर्ड एग्जामेशन नाउ कुछ विद्यार्थियों के अभी जनवरी के महीने में चल रहे हैं कुछ विद्यार्थियों के फ़रवरी में प्री बोर्ड्स के एग्जामिनेशन होंगे और चूंकि बोर्ड के एग्जाम अभी मई के महीने में होने हैं यह माना जाता है कि मार्च और अप्रैल के महीने में भी आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे स्कूल की तरफ से ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो यह स्कूल पर निर्भर करता है नाउ दिस वीडियो इज बेसिकली टू टेल यू हाउ यू नीड टू ट्रीट

डू यू सी ए रोहित शर्मा और ए हार्दिक पांड्या और ए विराट कोहली हिट ए सेंचुरी और हाफ सेंचुरी एवरी टाइम दे गो एंड प्ले इन आई पी एल मैच ऐसा तो नहीं होता ना सी एस के ऑफकोर्स अच्छा खेले भी नहीं मुंबई इंडियंस हर मैच तो जीतती नहीं है राइट सो द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू यू इट डज नॉट मीन दैट एवरी टाइम यू अपियर फॉर ए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आप हर सब्जेक्ट में सेंचुरी मारेंगे या हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो होगा दिसंबर में हुआ हो या जनवरी में हो हो रहा हो फरवरी में हो रहा हो मार्च में जो होगा उन सभी प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप सेंचुरी मारेंगे ऐसा कतई जरूरी नहीं है इट विल नॉट हैपन इट शुड नॉट हैपन एंड इट विल नॉट हैपन ओके सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग दैट यू विल परफॉर्म एट दैट ऑप्टिम लेवल इवन योर पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड नॉट एक्सपेक्ट यू टू हिट अ सेंचुरी एवरी टाइम सो लेट दिस बी लाउड एंड क्लियर ओके What you should do is to set your target. Last examination, you scored an 80. Your target this time should be a realistic 85. Or you think if you have prepared the paper subject very well, you can say, okay, my target this time will be an 88%. That's how you set individual targets and look to peak in the board examination. You need to have री क्लिनिकल प्रोग्रेशन यू के वेरी वेरी मेथोडिकल एंड सिस्टमेटिक एंड ए डिसिप्लिन मैनर दूसरी बात ये एक तो इस प्री बोर्ड का जो शब्द है उसका हवा जो है उसका जो डर बैठा रहता है आपके दिमाग में उसको हटा दीजिए

With your mind and your psyche. Okay, the only importance of pre boards, of course, apart from the fact that it gives you a reality check, ki aap kitne paani mein hai, the other point to notice is that if you are moving from class 10 to another school in class 11, the other school will most likely look at your pre board examination marks to see how good or how bad you are. So, in that sense, the pre board examination marks.

कौन से सब्जेक्ट में और कौन से सब्जेक्ट में कौन से एरिया में इस ही और शी लूजिंग मार्क आप किस एरिया में मार्क्स लूज कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए उसको वेरी ऑनेस्टली एनालाइज कीजिए उसको ऑनेस्टली एनालाइज कीजिए लेकिन क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपने उस चैप्टर को पढ़ा था या नहीं या एग्जाम के पिछले रात को बैठ के पढ़ा था एंड उम्मीद की थी कि सब याद रहेगा नहीं होता बाबू तो You will know better than anyone else how well you were prepared in that particular subject or in that chapter or chunk of chapters in that particular subject, right? So, identify the weak areas and work on that ahead of your next pre board examination, okay? So, do an honest job of that. Up, you know, this is not the time for you to see this strategy video, that strategy video. If you're honest to yourself, you don't need to see any strategy video, trust me, okay. सेकेंड थिंग इज आई अगेन गो बैक टू द टफ इजी फॉर्मुला मैंने एक वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं एंड वो टफ इजी शेड्यूल जो मैंने बनाया था दैट वॉज डन विद रीजन सी यू आर नॉट वर्किंग इन बीपीओ की मैं टाइम टेबल बनाऊ छह से सात केमिस्ट्री सात से आठ बायोलॉजी आठ से नो फिजिक्स नौ uh, uh, गया, से दस हिस्ट्री सिविक्स विक्स ग्यारह उसके ग्यारह से बारह इंग्लिश सो ऑन एंड सो फोर्थ ये चौकीदारी नहीं चल रही है दिस इज नॉट द टाइम दैट कैन हैपन इन द लास्ट वन मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन वेर यू वॉन्ट रेगुलर दिस मेनी आर शेड्यूल दिस इज द टाइम वेन यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड वर्क ऑन दम बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट आप एक रीडिंग या दो रीडिंग करेंगे पूरी तरह से याद नहीं रहेगा माइंड टेक्स टाइम टू एब्सॉर्ब ये मिट्टी नहीं है कि पानी डाला सीधा पानी नीचे चला गया इट टेक्स टाइम योर माइंड टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड टू एब्सॉर्ब एंड रिकॉल इन द एग्जामिनेशन अंडरस्टूड सो इसीलिए मैंने टफ इजी एंड दैट्स अ वेरी साइंटिफिक फॉर्मूला दैट आई हैड फॉर यू स्टूडेंट्स सो प्लीज फॉलो द ट्वेंटी फाइव डे इजी फॉर्मुला ट्रस्ट मी ये आपके बहुत काम आएगा देर आर लॉट ऑफ पीपल कीप सेंग हमारा इस वजह से मैं नहीं कर सकता इस वजह से नहीं कर सकता दोस्त डोंट वॉन्ट टू डू इट प्लीज डोंट डू इट कोई जबरदस्ती नहीं है यह कोई डिक्टेटरशिप uh, नहीं है बट आई बिलीव दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला फॉर एनी स्टूडेंट हु बोर्ड एग्जामिनेशन इन ए वेरी क्लिनिकल एंड अ सिस्टमैटिक मैनर फोकस ऑन द टास्क आपके सामने टास्क क्या है टारगेट इज ए नाइनटी थ्री परसेंट वर्क टूवर्ड्स इट इफ यूर टारगेट इज एन एटी से नजर मई के महीने में एग्जाम शुरू हो रहे हैं अरे बहुत टाइम है अभी लास्ट में पढ़ लेंगे हो जाएगा दे ऑफ यूर ग्रेट फ्रेंड्स यू। मैंने दो दिन पढ़ा था मेरे तो नाइनटी एट परसेंट आ गए थे आ गया होगा तुक्का लगता है जिंदगी में कभी कभी हो जाता है But just because it happened with him does not mean it will happen with you also. So please don't. Every person is different. His retention capacity may be much better than your retention capacity. So his wiring will be very different from your wiring. So don't try just because he uh, did this does not mean you can also do it. Virat Kohli can bat like a dream. It does not mean that Mohammad Siraj also thinks that maybe I can batting do it. His strength is bowling, right? So.

Is really the magic mantra to success in the board examinations. All the best to you. Thank you very much for watching.